करोड़ों रुपए ये लोग पैसे पानी की तरह बहाते एडवर्टीजमेंट पे कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल। मैं तो सिर्फ इस बात में गया हूँ कि बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए एक अच्छी एजुकेशन के अंदर, वो उनको मिलनी चाहिए, और वही मैंने देखा कि टोटली गुम है, मतलब टोटली गुम है यहाँ पे, मतलब कोई कंसर्न नहीं है। 4,000 बच्चों की कैपेसिटी, मतलब एनरोलमेंट है, और आधे बच्चे आ नहीं रहे, रेगुलरली नहीं आ रहे, बट कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे बहुत बहुत स्कूल है आपके आपके देखो, अगर ये कापासेड़ा के स्कूल में चले जाओ आप, 7-8 हजार मतलब वो है, एनरोलमेंट है, स्पेस है ही नहीं। मोलरबंद में चले जाओ, संगम विहार में चले जाओ, मतलब इस तरीके से कई कई लाख बच्चे ऐसे होंगे जो एनरोल्ड है लेकिन स्कूलों में जगह ही नहीं है। और यही एक एक 1.5 लाख तो यही नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे ये जो अफेक्ट हो रहे थे। एक स्टेज पर डिप्टी डायरेक्टर ने, जो डिप्टी डायरेक्टर पहले थी यहाँ पर, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को सलाह दी कि आप ऐसे करो, इन बच्चों को बस दे दो, DTC की बस दे दो, और बच्चों को बस देकर आप जहां पर आपके साउथ दिल्ली के अंदर जगह है वहां पे चले जाएंगे पढ़ने के लिए। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया, मतलब कोई समस्या का हल नहीं करना है। आज की तारीख में भी मतलब आप 90-90 बच्चे, 100-100 बच्चे, 120 बच्चे एक एक क्लासरूम में आज भी है, मतलब स्कूलों के अंदर, क्योंकि कहाँ ले जाएंगे वो? जब तक आप अल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट नहीं करोगे कहाँ करेंगे। अभी इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई कजूरी खास के अंदर, नई बिल्डिंग बनाई, अच्छी बिल्डिंग बनाई है देखने में, उसमें 120 कमरे हैं लेकिन फंक्शनल 160, 60 फंक्शनल है। अब कई स्कूलों से उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन मैं जब अभी गया हफ्ते भर पहले तो मैंने देखा कि उसमें पानी नहीं है पीने का, टॉयलेट में पानी नहीं है। लड़कियां शिकायत कर रही है, सर यहाँ तो टॉयलेट में पानी नहीं है पीने का। वहां पे इन्होंने 5 किलोवाट की वायर डाली जबकि 60 किलोवाट की वायर डालनी थी, वो ब्लास्ट हो गया, वहां पे बिजली ब्लास्ट हो गई। तो हंसी आती है। मतलब सोचिए, ये उस आम आदमी पार्टी का हाल है जो स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर और शिक्षा मॉडल के नाम पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हैं। और आप जो बता रहे हैं वो जमीनी हकीकत है, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट को बोलना पड़ा ना चीफ सेक्रेटरी को, जो एजुकेशन के, कि भाई काम करो प्रचार की बजाय। हाँ, और अगर आप MCD की बात करते हो तो खजूरी खास का एक स्कूल है, जब मैं बिल्डिंग देखने गया तो खजूरी खास के MCD के स्कूल में चला गया, वो 2,500 बच्चे लड़कियां सुबह पढ़ती हैं और 2,000 के करीब लड़के आफ्टरनून में पढ़ते हैं। उस स्कूल में मैं जब गया, हर एक क्लास में गया मैं, वो बच्चे अभी आए नहीं थे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले की बात थी, मतलब 100% सारे डेस्क टूटे हुए थे वहां पे, 100%। वो 50% पंखे भी काम नहीं कर रहे थे उस स्कूल के। और उसके बाद फिर मैंने जब MCD के और स्कूल देखे, उनकी भी वही हालत थी, सारे डेस्क टूटे हुए, चुभ रहे हैं बच्चों को। मैंने बच्चों से, तुम्हें चुभते हैं? हाँ चुभते हैं, कई बार हाथ इसमें आ जाता है। सीट सीट जिस सीट पे बैठते हैं बच्चे डेस्क की, वो आधी सीट है। अच्छा, एक एक क्लासरूम में तो और इंटरेस्टिंग हुआ MCD के स्कूल में, मैं नाम नहीं बताता कौन सा स्कूल है, उसमें क्या हुआ, मैं एक क्लासरूम में गया ना तो एक टीचर आराम से अपनी कुर्सी के ऊपर लेटी हुई है टांग फैलाकर नीचे, और अपने कान में लगा रखा मोबाइल, बच्चे बैठे हुए क्लासरूम में। तो मैं जब एंट्री करा तो उसको पता ही नहीं, इतनी धुंध थी। टीचर क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, टीचर है ही नहीं। मैं कह, टीचर के बच्चे बैठे हुए हैं, गंदगी है, टॉयलेट ब्लॉक गंदे हैं, ये सारे हाईकोर्ट को मैंने दिखाए, फोटोज की दिखाए, और कोई अगर मेरे ट्विटर पे या फेसबुक पे जाएगा तो वो देख सकता है कि क्या हालत है MCD स्कूलों की। दिल्ली गवर्नमेंट की भी यही हालत है, डेस्क टूटे हुए हैं, पूरी क्लास खड़े हो गए, मतलब हाथ खड़ा करके लड़कियां बोल रही है, सर हमें अच्छे डेस्क चाहिए। मतलब बताइए। आप डेस्क भी नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को टीचर नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई का कोई एटमोसफियर नहीं है, दो दो घंटे और अल्टरनेट डेज में आप बुलाएंगे बच्चों को, है? तो क्या, और एक 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 एक, एक, एक बेंच के ऊपर जिसमें दो बच्चे बैठते हैं उसमें चार चार पांच पांच बैठे हुए हैं। जस साहब जो पिछले कई काफी महीने से ये देख रहे हैं ड्रामा, एक के बाद एक ड्रामा, इसकी वजह से ही उनको इतना गुस्सा आ गया कि अल्लाह के, अब कुछ ना तुम्हारी सर्जरी करेंगे हम। और
और वो सर्जरी खतरनाक होगी मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हाँ आप हमें वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि हम वो करें तो फिर हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन का, ये यही तो इशारा कर रहा है कि सर्जरी होगी, कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा मंडे को, मुझे लग रहा है सरप्राइज होगा। मैं भी समझ नहीं पा रहा कि क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे टीचर्स को पीजीटी टीजीटी को इन्होंने दिखा दिया तो स्कूल के अंदर है हाजिरी, और वो बैठे हुए ऑफिस के अंदर, डायरेक्टरेट के ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं वो, तो वो स्कूल अटेंड ही नहीं करते। और एक इंटरेस्ट तो बड़ा मिस्टर कालिया है यहाँ पे, वो मेरे ख्याल 25 साल पहले टीजीटी अपॉइंट हुए होंगे, वो कभी जिंदगी में कभी उन्होंने नहीं पढ़ाया, और आप ज्वाइंट डायरेक्टर है दिल्ली सरकार के अंदर, डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, पूरी लाइफ उन्होंने जो है ऑफिस के अंदर ही टीजीटी से पीजीटी से फिर फर्दर जो भी प्रिंसिपल बनते होंगे, प्रिंसिपल से फिर एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन से डिप्टी डायरेक्टर, और अब ज्वाइंट डायरेक्टर, सब दफ्तर में रहकर ही हो गया वो बंदा तो बंदे को भर्ती तो किया था स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसने जिंदगी में कभी एक दिन भी नहीं पढ़ाया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और आज भी कई सैकड़ों टीचर हैं जो स्कूल के अंदर है, उनकी हाजिरी पैसे भी वहीं से मिलते हैं, लेकिन काम जो है दफ्तर वगैरह इधर उधर या कहीं मिनिस्टर के घर में बैठे होंगे। तो अजीब सा, मतलब आप किस चीज पे ध्यान दे रहे हो, भगवान भरोसे है ये सब कुछ, भगवान भरोसे। एक गरीब, क्योंकि गरीब कम्युनिटी से बच्चे हैं ये, तो आप इनको दे दो तो अच्छा है, नहीं दे दो तो अच्छा है। कितनी बुरी हालत है, और ये आई ओपनर है सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के स्कूलों के लिए। मुझे तो हैरानी उन बच्चों के लिए हो रही है सर, जो 5.5 लाख बच्चे 2015-16 में उन्होंने स्कूल से निकाल दिए, 15 से लेके 2019-20 तक, इस बीच में जो फिगर है वो ऑन हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में फिगर है, ये 5.5-6 लाख बच्चों को निकाल देने की टोटली। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, लोग तो मेरी बात को विश्वास नहीं करते हैं, और मेरे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है, कोई दवाई वाई जैसे केजरीवाल के पास है लोगों को समझा दूं। तो दिल्ली के अंदर आज भी मैं आपको बता रहा हूं, 15 लाख बच्चे, 15 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे जो स्कूल एज के बच्चे हैं और जो स्कूल से बाहर है, उनको कभी लाने की कोशिश नहीं करते ये स्कूलों में, ये तो भगाने की कोशिश करते हैं सर, ये तो भगाने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश नहीं करते। तो कहाँ है इनके पास, मैं तो कहता हूँ शुरू से ही कहता हूँ, इनके पास विजन ही नहीं है एजुकेशन का, कोई विजन नहीं है, इसीलिए ये हालत है। सर आप भी आम आदमी पार्टी से शुरुआत में जुड़े थे, और सबसे पहले शायद आप ही थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, तब क्या वजह थी, क्या आपको केजरीवाल की सारी जो तिकड़मबाजी थी वो समझ आ गई थी उस वक्त? नहीं देखिए, मैं शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ, और अभी जब ये लोगों ने अपना बनाया तो प्रशांत भूषण और केजरीवाल ने मेरे को बराबर मतलब इंसिस्ट किया कि आ जाओ आप हमारी पार्टी में, और मैंने सोचा कि शायद मैं इनकी पार्टी में आके कोई अच्छा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया इनको। हैं तो नेशनल एग्जीक्यूटिव जो शुरू में 12-13-14 लोगों की थी उसमें मैं था, और फिर क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से ना ये इमेज है कि ये एनजीओ है और इनके इर्द गिर्द भी सारे एनजीओ हैं, तो एनजीओ की पिक्चर मेरे दिमाग में अच्छी नहीं है। तो मैंने शुरू के 14-13 महीने में ये देखा कि ये उससे निकल नहीं पाए एनजीओ से, बिल्कुल एनजीओ ब्रांड और पूरा एनजीओ चला दिया, मतलब सरकार को ही एनजीओ बना दिया इन्होंने, तो मुझे लगा कि हमारी कोई इसमें जरूरत नहीं है, और फिर मैंने क्विट कर दिया। तो मैं सबसे पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था जो क्विट कर दिया, और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे आज भी जो है ये लगता है मैंने ठीक काम किया, क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी तरीके से इस सिस्टम में, इनके सिस्टम में मतलब फिट नहीं हुआ। मतलब जब आप बच्चों को इतने 1.5 लाख बच्चों को निकाल देंगे, उनको कुछ सुनने वाला नहीं, हमने इनके घर में जाके धरना दिया बैठ के, और फिर इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब शुरू में हमने पहला धरना दिया वही 2015 का, तो कोई मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे थे मेरे साथ डिमोन्स्ट्रेशन करने में, उनके माता पिता भी, फिर वो आगे चल के जो है कुछ 30-35 ही रह गए, फिर जब तीसरा डिमोन्स्ट्रेशन किया तो मेरे ख्याल 10-15 ही लोग रह गए। मतलब पब्लिक के अंदर भी वो जो मतलब ये समझ कि ये इनके खिलाफ कर रहे हैं, वो समझ नहीं बना पाए हम,
और अंत में वो यही हुआ कि सारे बच्चे वहां से निकल के पत्राचार में गए और फिर पत्राचार में फेल हुए और फिर हंगामा हुआ, फिर इन्होंने वो विड्रॉ किया ऑर्डर। लेकिन ये लगातार निकालते रहे, मतलब लगातार निकालते रहे, हाईकोर्ट को भी बार बार ऑर्डर करने पड़े कि आप ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब सक्सेस हो गए और हम फेल हो गए बच्चों को अंदर लाने के लिए। ये सक्सेस रहे बच्चों को बाहर निकालने में। सर अब सोमवार को देखते हैं इस मामले में क्या आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऑर्डर आने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट से, क्योंकि जो अंदर बैठकर भी सरकार चलाने के लिए बैठे उनको कोर्ट ने तो कह दिया ना कि आप निजी स्वार्थ के लिए इस पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रहित के बारे में आप नहीं सोच रहे, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिप्पणी हाईकोर्ट क्या कर सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, मुझे भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ऑर्डर होगा कि केजरीवाल जी अंदर रहेंगे और दिल्ली सरकार का काम चल पड़ेगा, मतलब जिससे कि बच्चों को राहत मिले, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कि किस तरीके से सरकार चल सकती है। अभी तो बिल्कुल ठप पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल ठप पड़ी है, नो वर्क। उम्मीद ऐसे ही करते सर कि कुछ ऐसा ऑर्डर वहां से आए कि अरविंद केजरीवाल के भी तोते उड़ जाए तिहाड़ जेल में। आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।